हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल Study24 ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और मोस्टली कैंडिडेट्स अपनी प्रिपरेशन में लग चुके हैं, तो आप भी अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। लेकिन इसके बाद काफ़ी कैंडिडेट्स के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन है उन पे डिस्कशन करेंगे और हो सकता है कि आपके माइंड में भी वो क्वेश्चन हो, तो एक बार उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सीटेट जो 2019 दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर 2019 में क्या इन कैंडिडेट्स को चांस मिलेगा न्यू वैकेंसीज में या नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं बार बार, तो इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो सीटेट दिसंबर 2019 में होने वाला है, अगर वैकेंसी का नोटिफिकेशन उसके बाद में आता है, मतलब रिजल्ट आ गया उसके बाद अगर नोटिफिकेशन आता है, तो जरूर उन कैंडिडेट्स को चांस मिलेगा। लेकिन अगर नोटिफिकेशन नवंबर में ही आ जाता है, इवन दिसंबर में भी आता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको चांस मिलेगा। तो ये अभी क्लियर है कि मुझे 99.99% अभी ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल उन कैंडिडेट्स को चांस मिलेगा। और ऐसा नहीं कि वैकेंसीज नहीं आएंगी, वैकेंसीज आने वाले टाइम में और भी आती रहेंगी, केवीएस भी आने वाला है, तो प्रिपरेशन आप करते रहें। इसके बाद कुछ और कैंडिडेट्स के क्वेश्चन ये भी है कि क्या पीआरटी की वैकेंसीज इनमें आएंगी या स्पेशल वाली वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी। देखो, अभी का जो डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वैकेंसीज आने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन देखो फाइनल जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उस पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो यह है कि पीआरटी की भी वैकेंसीज हैं और स्पेशल वाली वैकेंसीज, एनटीटी वाली वैकेंसीज, सभी वैकेंसीज कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेंगी, और टीजीटी और पीजीटी वाली वैकेंसीज ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे। लेकिन अब नोटिफिकेशन आने पर ये सारी चीज़ें एक बार बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो एक बार नोटिफिकेशन का वेट करते हैं और भी जो जेन्युइन सोर्सेज से पता चलेगा, लेकिन अभी तक ये है कि वैकेंसीज आएंगी। इसके बाद और जो कैंडिडेट्स हैं उनके क्वेश्चन हैं कि जो बाहर के ओबीसी हैं, जो अदर स्टेट के ओबीसी हैं, क्या वो दिल्ली में ओबीसी में काउंट होंगे? जी बिल्कुल नहीं। जो अदर स्टेट के ओबीसी हों, जनरल हों या मतलब ये हों, तो इनको दिल्ली के अंदर जनरल में ही काउंट किया जाएगा। अदर स्टेट के एससी और एसटी को दिल्ली के अंदर एससी और एसटी में काउंट किया जाएगा, तो ओबीसी सिर्फ दिल्ली के ही काउंट होंगे और अदर स्टेट के एससी एसटी को दिल्ली में एससी एसटी में काउंट किया जाएगा, उनको रिजर्वेशन वहां पे मिलेगा। इसके बाद और भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार कि ये नोटिफिकेशन क्या नवंबर में आ जाएगा। देखो अभी क्या है, जो एक्सपेक्टेड वो बताया गया है, अशोक अग्रवाल सर ने भी जानकारी दी है और वही चीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ, 99% पूरी उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द आने वाला, क्योंकि DPPP ने कोर्ट में मतलब बताया है कि हम मार्च तक ये क्लियर करके आपको दे देंगे, एग्जाम वगैरह करा देंगे। अगर एग्जाम मार्च में होता है तो नोटिफिकेशन मतलब नवंबर लास्ट में या दिसंबर तक नोटिफिकेशन इनका आना चाहिए। तो यही कुछ मेन क्वेश्चन जो बार बार आ रहे थे, तो अगर आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन है तो जरूर बताइए। और नेक्स्ट टाइम देखो, सभी को रिप्लाई करना इतना पॉसिबल होता नहीं है, उसके लिए मैं समझ चाहता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उन क्वेश्चन को मैं एक कॉमन क्वेश्चन देख के उनका मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, अबाउट में जाके कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन प्लीज कॉल ना करें, जिससे होता क्या है कि मैसेज तो मैं एक बार देख लेता हूँ लेकिन कॉल बिजी होने के कारण रिसीव नहीं कर पाता। तो यही उम्मीद है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए और ये बहुत बड़ा एक बदलाव होने वाला है, वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक है और काफ़ी ऐसी न्यूज़ हैं जो इस चैनल से पहले वहाँ पे भी मिल सकती हैं आपको, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।